हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काम धंधा बंद, ऊपर से स्कूल फीस में बढ़ोतरी। सरदार दून स्कूल में अभिभावकों ने किया ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था व फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन। लॉकडाउन व कोरोना महामारी के कारण कई लोगों की आजीविका के साधन बंद पड़े हैं, उनके समक्ष घर चलाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में कई निजी स्कूलों में फीस वृद्धि कर दी गई है। अब निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के साथ ही फीस वृद्धि के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कई स्कूलों में फेल हुई ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। शनिवार को जालौर गेट बड़ी ईदगाह के पास स्थित सरदार दून स्कूल के बाहर अभिभावकों ने ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था और स्कूल फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना था, लॉकडाउन के कारण सारा काम धंधा बंद पड़ा है, ऐसे में वो बड़ी हुई स्कूल फीस कैसे दे। दरअसल कई निजी स्कूलों ने लॉकडाउन में बंद हुए स्कूलों के बाद भी पूरी फीस वसूलने की नियत से ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को शुरू किया था। कई विद्यार्थियों के अभिभावकों ने इस व्यवस्था का विरोध भी किया था। उनका कहना था कि मात्र 45 मिनट अथवा एक घंटे की क्लास के बदले पूरे महीने की फीस वसूली जा रही है। इसके साथ ही कई विद्यार्थियों के पास अतिरिक्त मोबाइल, कंप्यूटर अथवा टैबलेट नहीं होने के कारण भी वे इस व्यवस्था से जुड़ नहीं पा रहे। कई लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए अतिरिक्त मोबाइल डेटा लेना पड़ा। अभिभावकों का कहना है कि कोविड-19 में लॉकडाउन के बाद उनके सभी व्यापार व आर्थिक संस्थान बंद हो चुके हैं, जिस कारण वे अतिरिक्त मोबाइल या कंप्यूटर के लिए मोबाइल डेटा की व्यवस्था नहीं कर सकते। इसके लिए उनकी ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल फीस में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। सरदार दून स्कूल के सामने आज कई अभिभावक एकत्रित हुए और स्कूल फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहाँ स्कूल फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई है। अभिभावकों ने प्रदर्शन कर ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था बंद करने और स्कूल फीस माफ करने की मांग की। अभिभावकों का कहना है कि रोज स्कूल प्रशासन की तरफ से उनके मोबाइल पर बढ़ी हुई फीस जमा करवाने के चेतावनी भरे लहजे से मैसेज आ रहे हैं। वो कोई सही रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसमें किसी बच्चे पे ध्यान नहीं दिया है। 200-200 बच्चों की एक साथ क्लास चल रही है। बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो बाहर डांट दिया जाता है। फीस इनको पूरी चाहिए। स्कूल आते तो कोई रेस्पॉन्स नहीं, दरवाजे बंद करके बैठे हैं। 200 बच्चे रोज ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हैं। कोई कमी नहीं कर रहे। जब बच्चे स्कूल आ नहीं रहे, इनका खर्चा बिजली पानी का कुछ लग नहीं रहा है। इंटरनेट हमारा क्लास और हम कराए, होमवर्क हम कराए, पढ़ाएंगे ये पूरा है नहीं। बच्चों को डांट देते, एक क्वेश्चन पूछते तो बच्चे को डांट देते, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। बच्चों को स्क्रीन पे आता नहीं, हम कनेक्ट हो नहीं पाते, बस क्लास कट हो जाती है। बस इनको फीस चाहिए होती है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।